Assalamualaikum, mera naam Rabia hai. Welcome to Mission Gracious channel. Today I'm going to react on the Khoja Tunnel, Jewel of Pakistan Railways, its short documentary in snow. And the channel name is Park Railography. Alright, let's watch it. Balochistan. हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। अक्सर लोग समझते हैं कि बलूचिस्तान सिर्फ खुश्क और गर्म तरीन सहराई इलाकों पर मुश्तमिल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। बलूचिस्तान में ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जहां हर साल कई फीट से भी ज्यादा बर्फबारी होती है। क्वेटा, जो हमारे प्यारे सूबे बलूचिस्तान का दारुल खिलाफा है, यहाँ पर भी सर्दियों के मौसम में काफी ज्यादा बर्फबारी होती है और दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर जाता है। क्वेटा से चमन रेलवे लाइन भी अंग्रेजों के जमाने का अजूबा है और इस रेलवे सेक्शन पर जो सबसे खूबसूरत और इंजीनियरिंग का शाहकार चीज है वो है खोजक टनल। आज की वीडियो में मैं आपको खोजक टनल की सैर बर्फबारी के मौसम में करवाऊंगा। So excited. ये टनल इंतजामी लिहाज से बलूचिस्तान के किला अब्दुल्ला डिस्ट्रिक्ट में शामिल है। ये सुरंग खोजक टनल के अलावा शीला बाग टनल के नाम से भी बहुत ज्यादा मशहूर है। इसकी सतह समंदर से ऊंचाई 6381 फीट के करीब है, जो कि मलका कोहसार मरी से बस कुछ ही कम है। इस ऊंचाई की वजह से सर्दियों में इधर ठीक ठाक बर्फबारी का सामना करना पड़ता है। ये टनल 3.91 किलोमीटर लंबी है और इसको अभी तक साउथ एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग होने का एजाज हासिल है। इसको 1891 में ब्रिटिश कॉलोनियल वक्तों में अंग्रेज साम्राज्य ने तामीर करवाया था और खोजक पास के जरिए रेलवे लाइन को पाक अफगान बॉर्डर पर वाके चमन शहर से मिलवाया था। इस टनल के बारे में दो मफरूजे बहुत ज्यादा मशहूर हैं। पहला ये कि इस जगह का नाम शीला नाम की डांसर की वजह से रखा गया था, जो यहाँ काम करने वाले मजदूरों को तफरी फराम करने के लिए नाचती थी। और दूसरा ये कि इस टनल पर काम करने वाले इंजीनियर ने खुदकुशी कर ली थी और उसकी वजह आज तक किसी को नहीं मालूम, लेकिन इन दोनों मफरूजों की कोई तस्दीक मौजूद नहीं है। शीला बाग में आज भी ब्रिटिश जमाने के बने हुए रेलवे क्वार्टर्स मौजूद हैं, जिनको देखकर आपको ऐसा लगता है कि आप पुराने जमाने में चले गए हैं। इधर जब बहुत ज्यादा बर्फ पड़ जाती है तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। इधर सिर्फ एक ही ट्रेन रोज गुजरती है जो क्वेटा से चमन तक सुबह जाती है और शाम को वापस आती है। यहाँ के रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग को हाल ही में अपग्रेड किया गया है और इधर एक रेलवे म्यूजियम भी मौजूद है। हमारे मुल्क में राइज पुराने 5 रुपए के नोट में भी ये सुरंग दिखाई गई थी। रेल के अलावा आप इस जगह को बजरिया रोड भी विजिट कर सकते हैं। ये N25 क्वेटा चमन शाहरा पर वाकया है, लेकिन बर्फ के मौसम में जरा ध्यान से, क्योंकि बर्फ में रोड तो बंद हो जाता है लेकिन ट्रेन फिर भी चलती रहती है। Look at that. The
बहुत कम लोग इधर सियाहत के लिए रुख करते हैं, जबकि इधर सियाहत को फरोग देकर सूबे और मुल्क की आमदनी में खातिर ख्वाह इजाफा किया जा सकता है। अल्लाह हमारे इस सरमाए को हमेशा महफूज फरमाए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोबारा किसी ऐसे ही वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह, दिस इज इनक्रेडिबल, अमेजिंग। आई नेवर एक्सपीरियंस द स्नो, एंड व्हेन आई लुक एट द रेलवेज विद द स्नो, it looks amazing. You know, the view is spectacular. It's different experience. Mashallah, I would love to visit Quetta, Balochistan, and I would love to try the train and visit the Kojak tunnel and also the museum. Yeah, I love the old building. There's history, and of course the room is also there. I would love to learn more about the places, especially in Pakistan. All right guys, thank you so much for your suggestion. If you like this video, which is I hope you like it. Okay, if you like this video, please share it with your family members and friends. Don't forget to share it on your social media as well. Please subscribe our channel Malaysian Girl Reactions and join our Telegram channel Malaysian Girl Reactions. Turn on the notification button, the bell icon down here, so you won't miss out our latest video. Please follow our Facebook, Instagram, Twitter, and also TikTok Malaysian Girl Reactions. Do follow us, alright? If you haven't subscribed us, please subscribe us now. It's mean a lot to me. Thank you so much. Till next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.